मैं तो यू आर लाइव ओए होए होए होए। मैं अपने फैंस, अपने परिवार, अपने लोगों के साथ आज 10 मिलियन के बाद आज मैं लाइव आया हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। देखो, मुझे ज्यादा चीजें आती नहीं है। ये मेरा एक साधारण सा कमरा है जिसमें मैं रहता हूँ, और आप सब हो मेरे साथ अभी के लिए। तो मैंने सोचा, बड़े दिन हो गए मैंने बातें नहीं करी हैं। 20 मिलियन का हमारा परिवार होने वाला है, 19 मिलियन में 10,000 अभी कम है। तो अपने दोस्तों को और खुद सभी को बोलो सब्सक्राइब करने के लिए। अभी मुझे ज्यादा नहीं पता, मुझे ज्यादा कुछ आता नहीं है, नॉर्मल करेंगे। सभी के इतने तेज तेज मैसेजेस आ रहे हैं, अभी मैं कैसे पढ़ू? मुझे एक एक करके कोई प्यार से समझाए, प्यार से मुझे पहले मुझे ये बताओ, मुझे आप सुन पा रहे हैं? आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो, सभी को हेलो। मैं 3 दिन बाद आज नहाया हूं। मैंने कहा यार लाइव करना है, थोड़ा सा नहा धो के फ्रेश सा लगू। सब कहेंगे अमित भाई नहा कर नहीं आए। सभी को मेरी आवाज आ रही है? सभी को नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जितने भी लोग हैं, जितने भी अपने भाई बंधु, उनकी बहन बंधु हैं, सहेलियां, सोना मोना बाबू जुड़े हुए हैं, सभी को हेलो हेलो, क्या हाल चाल है? अभी कुछ ऐसे सवाल पूछते हैं जो आपने मेरे बारे में आज तक सिर्फ और सिर्फ दूसरों से सुने हैं, मेरे मुंह से कभी नहीं सुने हैं। मैं आज वो दिल की बातें आपसे करने आया हूं। मैं घर पे था, बिल्कुल फ्री हूं। मैंने सोचा मुझे लाइव करना है सभी के साथ। तो ये मैसेजेस इतने तेज चल रहे हैं, हेलो भाई, हेलो हेलो। तो कुछ मुझे बताएंगे, कोई बताएगा कि मैं ये आराम से कैसे पढ़ पाऊंगा? प्लीज यार मुझे बताओ ना कोई कि मैं ये सभी कैसे पढ़ पाऊं। से समथिंग लिखा रहा है, ये मैं अपने सिस्टम पे जहां पे मैं वीडियो एडिट करता हूं, जिसपे मैं उससे लाइव हूं। तो सबसे पहले अगर किसी का कोई सवाल या कुछ भी रह जाए तो मुझे माफ कर देना, आपको पता है। कैसे यार मुझे, हेलो भाई मेरे, यार ये बड़ी तेज चल रहा है, मुझे इसका कुछ रास्ता बताओ, या मैं किसी को फोन करूं, या मैं क्या करूं, या अपने फोन से देखूं आपके मैसेजेस तब आपको रिप्लाई दूं? मुझे पूछना पड़ेगा किसी से, ये बड़ी तेज चल रहा है, मुझे एक मैसेज समझ नहीं आ रहे, एक भी मैसेजेस समझ नहीं आ रहे। तो मैं किसी से पूछ लेता हूं कि कैसे आराम आराम से। भाई मैं लाइव हूं अभी अपने भाई लोगों के साथ, और इसमें अच्छा देख रहे हो आप भाई, इसमें मैं मैसेजेस नहीं पढ़ पा रहा, इतनी तेज जा रहे हैं जितने भी लोगों के कमेंट आ रहे हैं, तो ये मैं कैसे पढ़ूं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ ऐसा ऐसा। मैं मुझे बता रहे हैं कि आप अपने फोन में जाके लाइव खोल लें और वहां से आराम आराम से, तो अच्छा ठीक है, अभी यहां पर ठीक आ रहा है। टर्न ऑन स्लो मोड, कोई टर्न ऑन स्लो मोड बोल रहा है, ये किधर से होगा, किधर से होगा मुझे बताओ कोई। भाई मेरे को नहीं आता ये। मैं बहुत ही इन चीजों में थोड़ा सा सीधा हूं यार मैं, मेरे को यहाँ पे मुझे काफी लोगों के मैसेजेस दिख रहे हैं। हेलो अजय, अजय पूछ रहे हैं हाउ आर यू, मैं बहुत अच्छा हूं मेरे भाई। टच करके रोक लो भाई, ये टच नहीं है, मैं यहां से देख रहा हूं, तो टच करके इधर से कैसे, इधर से अच्छा ऐसे करके रुक सकता है क्या? आजा, आपकी मोटिवेशन कौन है? पसविंदर पूछ रहे, भाई मेरी मोटिवेशन मेरे लाइफ के फेलियर्स हैं, जो मैंने लाइफ में फेलियर्स देखे। मेरे पिताजी का कम उम्र में देहांत हुआ, उनके बाद जितना भी मैंने, मेरे फैमिली ने जितना भी स्ट्रगल देखा, वो मेरे फेलियर है सारे के सारे। मैं उन्हीं से इंस्पायर होता हूँ, उसी टाइम को मैं याद करके आगे बढ़ता हूँ कि मैंने इतना बुरा टाइम देखा है, तो मुझे लाइफ में बहुत ज्यादा मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है। सुपर चैट का ऑप्शन नहीं आ रहा यार, देखो सुपर चैट का क्या है, आप मुझे पैसे नहीं चाहिए भाइयों आपसे, बिल्कुल भी उसमें पैसे होते हैं, और जो मुझे कोई पैसे भेजे या कुछ भी, मुझे पैसे मत भेजना, मुझे भाई आपसे पैसे नहीं चाहिए बिल्कुल भी। आप बस इंजॉय करो, हम तुम इंजॉय करेंगे इसको बड़े आराम से, मस्त मोला होके मस्त चैट करेंगे, एकदम खुल के करेंगे बातें,
बहुत दिन हो गए और 20 मिलियन हमारे होने वाले हैं, मुझे उसकी बड़ी खुशी है। 20 मिलियन पे गाना आने वाला है। मैं आप सभी का शुक्र अदा कैसे करता हूं मुझे खुद नहीं पता, आप लोगों का कितना प्यार है, कितना आप लोगों का सपोर्ट है हमेशा। मैं अंदर से बड़ा खुश रहता हूँ, खुश नसीब मानता हूं मैं अपने आप को कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया इतना। भाई गुजरात कब आओगे? भाई गुजरात क्या, मुझे पूरा जितना भी हिंदुस्तान का एक एक राज्य है मुझे इतना अच्छा लगता है, गुजरात भी मुझे बहुत पसंद है। मैं हर राज्य में एक एक बार जरूर आना चाहता हूं, अगर आपका प्यार रहा, सही सलामत रहे, सब कुछ अच्छा चलता रहा, बहुत बढ़िया। तो अभी सर व्हाट इज योर मदर नेम? मेरी मदर का नाम है श्रीमती मुनेश, और जो मेरे फादर साहब है उनका नाम है श्रीमान लेट श्री नरेंद्र। तो अभी वो हमारे बीच में नहीं है, और अभी बहुत सारी ऐसी चीजें रहती हैं जो मेरे बारे में रहती हैं और लोग नहीं जानते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ, मेरा जन्म बुलंदशहर में हुआ, बुलंदशहर के गांव महमंदपुर में मेरा वहां पर जन्म हुआ। उसके बाद जब मैं 3-4 साल का था तो एक होता है ना, गांव से हम शहर की तरफ दिल्ली में आ गए थे, तो मेरी परवरिश मेरा स्कूल सब दिल्ली में हुआ है। ग्रेजुएशन मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी है और स्कूल मैंने यमुना विहार सीवन से किया है और लॉ मैंने मेवाड़ से करी है। ये मेरे बारे में है। तो कोई मुझे कहता है ये हरियाणा से है, कोई कहता है राजस्थान से है, तो मैं बुलंदशहर से हूँ, उत्तर प्रदेश में मेरा जन्म हुआ, दिल्ली में मेरी परवरिश हुई और दिल्ली में मैं आगे बढ़ता चला गया। मतलब दिल्ली से ही मैंने सब कुछ वीडियोस वगैरह सब बनानी शुरू करी, लेकिन जितना प्यार हरियाणा के लोग, राजस्थान, मध्य प्रदेश या जितने भी राज्य मैं बोलूं उतने कम है जितना प्यार मुझे देते हैं। तो ये मेरे बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो मैं रखता हूँ। काफी लोग मुझसे कहते हैं कि आप अपने परिवार को या उसको कभी कैमरे पर नहीं लाते। इसमें मेरा एक ये है कि मेरा परिवार कैमरा फेसिंग नहीं है बिल्कुल ही, वो मना करते हैं कि यार हमें कैमरे पर नहीं आना, मम्मी बड़ी मेरी सीधी है, तो वो कैमरे पर नहीं आते फिर। तो मैं अपने तक मतलब रखता हूँ, तो इस चीज को भी आप हमेशा समझा करें हमेशा। और मैं थोड़ा सा हूं यार शर्मिला सा ना, मैं अपने बारे में अपनी चीजों के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करता, मैं प्रोफेशनल लाइफ ज्यादा आगे रखता हूँ, पर्सनल लाइफ को साइड में रख के। अब लोग, कुछ लोग होते हैं जो जबरदस्ती आपके पर्सनल स्पेस में आना चाहते हैं, तो भाइयों अमित से प्यार करो, अमित सबसे करता है भाई, बहुत ज्यादा। आप कैसे हो? मैं एकदम ठीक हूं, अभी तो घर पे सब बच्चे हैं भाई की, घर पे सब अच्छे हैं। लव यू कार्तिके, लव यू WWE रोमन, लव यू रोमन रेंज सर बोल रहे हैं कि लव यू टू, मजाक कर रहा था, ये कोई भाई ने फेक आईडी बना रखी है उनकी। लव फ्रॉम झारखंड, लव यू टू भाई, फोन में टच करके, ओ गुड, जिसने भी बोला फोन में टच करके, किस भाई ने बोला, बढ़िया अच्छा हुआ। बढ़िया अब अच्छा आ रहा है, मेरा जवाब दे दो। पूछो अभिजीत क्या पूछ रहे हो आप, प्ले पबजी आर नोट? यार देखो मैं बड़ा ना 2000 वाला बच्चा हूं जिसने टेकन 3 मुस्तफा ये सब खेला है दबा के तो पबजी मैं ज्यादा खेलता नहीं हूं, लेकिन पबजी के ऊपर मेरे को पंच मारने में बड़ा मजा आता है। पोचो निक्की चले जाते ना तुम, पोचो निक्की नहीं वो पोचंकी होता है ऐसे पॉइंट मार रहे हो, मुझे बड़ा मजा आता है। COVID-19 का क्या करें भाई, COVID-19 आप अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें, हमारे ये हाथ में नहीं है, ये प्रकृति के साथ जो हम लोगों ने छेड़खानी करी है इतने साल तक उसका ही हमें रिजल्ट मिल रहा है। हम घर पर रहें, आराम से रहें, अपने परिवार का, अपने बुजुर्गों का ध्यान रखें, और गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट कह रही है उसका आदेश माने, जो भी गवर्नमेंट कह रही है आप उसको माने और उसी के अनुसार चले, सब अच्छा होगा, यकीन रखें। प्रेयर करें, ऊपर वाले का नाम लें, सब अच्छा होगा, बहुत ताकत है ऊपर वाले में। कैसे टाइम पास हो रहा है आपका? भाई मैं खाता हूं, नहाता तो नहीं हूं 2-3 दिन में नहाता हूं और सोता हूं, पुरानी वीडियोस देख लेता हूं, अपनी कुछ और देख लेता हूं यूट्यूब पे, इधर उधर इंस्टाग्राम पर कुछ देख लेता हूं, ज्यादा सोशल मीडिया पर रहता नहीं हूं मैं। लिख रहा हूं आजकल मैं, देखो वेब सीरीज मैंने लिख दी है, ठीक है, गाना अपना लगभग लगभग पूरा हो चुका है, शॉर्ट फिल्म मैंने लिख दिया, बस
इंतजार है जल्दी जल्दी कंटेंट लाने का। 2019 में मुझे इस बारे में आपसे बहुत बात करनी थी, इस बात को बड़े आराम से सुनना। 2019 में आपकी सबसे ज्यादा शिकायत ये थी कि अमित भाई आप टाइम से वीडियो नहीं लाते। मैंने 2020 में 3 महीने में 8 वीडियोस लाई है, 1 महीने में 10 दिन के हिसाब से मैं 8 वीडियोस लाई है, क्योंकि मुझे पता था या तो मैं महीने में 1 वीडियो डालूंगा तो उस पर 25 से 30 मिलियन व्यूज आएंगे, और या 3 वीडियो डाल लूं तो उनपे भी 10-10, 15-15 करके 30 आएंगे। पर मैंने परवाह नहीं करी, मुझे लगा कि मुझे कंटेंट है जो वो लगातार देना है, अभी जितना भी मुझसे हो सके, जैसा भी मुझसे हो सके, जितना भी मैंने इतना कुछ लिखा था बहुत ज्यादा, तो कुछ मुझसे ना ऐसे सवाल पूछो यार जिसे मुझे जवाब देने में बड़ा मजा आए, आपसे बात करने में बड़ा मजा आए। लास्ट हमारी चैट 10 मिलियन पे हुई थी, अभी 10 मिनट हो चुके हैं। हमें ये 23 के जो लिखा रहा है ये हमें देख रहे हैं क्या, ये मैसेज है क्या है मुझे लाइक नहीं, ये व्यूअर्स हैं शायद, क्योंकि कुछ ऐसा निशान आ रहा है उसके आगे, लाइक्स बने हुए 26 के है ना, तो 22 हो गए। अब भाग क्यों रहे हो? अरे मैं कुछ कर थोड़ी ना रहा हूं, भाग काहे कर रहे हो भैया, यहीं रुको, सुनो मेरी बात है, मजा आएगा। तो अभी जितने भी हैं अभी धीरे धीरे करके ऐसे इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग सवाल पकड़ते हैं और उन पर बातें करते हैं, वीडियो से रिलेटेड पूछने हो, कैसे बनती है, क्या क्या होता है, पूछो कुछ इंटरेस्टिंग। इतने दिनों से आप रहते हो, 10 मिलियन के बाद मैंने कोई इंटरव्यू भी नहीं दिया है, अभी 20 मिलियन पे सब कुछ तैयार है कि कैसे मुझे इंटरव्यू देने हैं, क्या क्या चीजें करनी है। अभी मुझे ज्यादा चीजें करनी है, बहुत ज्यादा मैं एक्साइटेड हूं कि वेब सीरीज करनी है, ये बहुत ज्यादा कि मुझे नया नया आपको बहुत मेरा मन है कि नई नई चीजें, अच्छी अच्छी चीजें आपको देता रहूं। चीजें मैंने एक वीडियो करी थी बिटिया रानी जिसपे काफी आपका अच्छा रिस्पॉन्स था, लेकिन लोगों का कहना था कि यार ऐसे कॉन्टेंट पर व्यूज नहीं चढ़ते अमित भाई, तो ऐसा मत बनाया करो, कुछ दिल की तसल्ली के लिए होता है भाइयों, वो मैंने दिल की तसल्ली के लिए कंटेंट बनाया था। तो 10 मिलियन के बाद आपने भी देखा है कि मैंने कैसे कंटेंट पहले के और इसको को चेंज किया है, क्योंकि मेरा मन था कि मैं कुछ अलग भी चीजें देता रहूं, एक ही चीज देता रहूंगा, मेरे व्यूज आते रहेंगे, मेरी वाहवाही होती रहेगी, लेकिन मैं कहीं ना कहीं आपके साथ धोखा कर रहा हूं, इसलिए मैंने एक सेम चीज देना बंद किया। मैंने अलग अलग, अभी कुछ टाइम से मैंने कहानियां भी बनानी बंद करी, मैंने रिलेटेबल लिस्टिकल कंटेंट बनाया, ट्यूशन वाला, एग्जाम वाला, लास्ट वीडियो देसी वर्सेस अदर, तो मैंने इस तरह का भी बनाया। तो आप लोगों की बड़ी डिमांड थी देसी वर्सेस अदर पे, कुछ भाई देसी वाला कंटेंट लाओ, तो वो वाले कंटेंट भी हम लाए इस बार लाए। तो स्क्रोल अप करने को बोला है, ठीक है भाई, आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? भाई मैं कुछ भी मूड के ऊपर डिपेंड करता है, मैं कुछ भी सुन लेता हूँ, मतलब कभी कभी मोटिवेशन का होता है तो मैं कुछ भी सुन लेता हूँ। मैं रीजनल म्यूजिक बहुत सुनता हूँ, चाहे वो भोजपुरी हो, मराठी हो, हरियाणवी हो, चाहे वो कुछ यूपी का म्यूजिक हो, कुछ भी रीजनल म्यूजिक, उत्तराखंड मैं बहुत सुनता हूँ, मुझे ये म्यूजिक, हिमाचली म्यूजिक, मुझे ये म्यूजिक बहुत ज्यादा पसंद है। नेपाल का मैं बहुत म्यूजिक सुनता हूँ, मुझे नेपाल का म्यूजिक, भूटान का म्यूजिक, ये बड़े म्यूजिक मेरे को पसंद है। पाकिस्तानी म्यूजिक मुझे बहुत पसंद है, मैं इस तरह का म्यूजिक बहुत ज्यादा सुनता हूँ। भाई आपका इंस्पिरेशन कौन है? भाई मैंने लाइफ में अगर मैं इंस्पायर हुआ हूं तो अपने मन से मैंने ज्यादा बातें करी है, अपने फेलियर्स, अपने बुरे टाइम को मैंने इंस्पिरेशन माना है हमेशा। तो अभी मैं भाई इंडिया के आप बेस्ट क्रिएटर हो, शर्मा जी बोल रहे हैं, थैंक यू यार, सभी अच्छे हैं यार, सभी बढ़िया है, सभी मैंने, मैं देखो मैं कभी किसी को गलत नहीं बोलता ना, मेरी ये आपने आइडेंटिटी देखी होगी कि मैं कभी किसी को गलत नहीं बोलता, क्योंकि मुझे पता है एक मेहनत, एक कंटेंट बनाने में कितनी मेहनत, कितना टाइम और कितना दिमाग खर्च होता है। यार मेरी ना 3 साल के अंदर इतनी बार सेहत बिगड़ी है ना काम की वजह से, मैं समझ सकता हूं। तो जो भी किसी के बारे में गलत बोलता है ना, आपको उसको चुप कर देना चाहिए, उसको बोलना चाहिए यार तू करके दिखा, जब हम तेरे को माने, बड़ी मेहनत लगती है, बातें बनाना बड़ा आसान होता है। तो सभी बेस्ट है मेरे भाई, आपने मुझे कहा मैं आपको बेस्ट कहता हूँ। योर फेवरेट पर्सन पीयूष, भाई मेरी मम्मी, मेरी दादी, मैं बहुत प्यार करता हूँ अपनी मम्मी दादी, अपने चाचा जी से, अपने परिवार से, फेवरेट पर्सन तो मम्मी है हमेशा। कभी चक्कर लगाओ हमारे पास, बिल्कुल 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 भाई बिल्कुल। सर कतई जहर, ये वाली डायलॉग प्लीज, कतई जहर। थैंक यू। स्क्रॉल अच्छा चल रहे हैं भाई, आप इतना कंसिस्टेंट कैसे रहते हो? भाई बस मैंने खाली टाइम में लिखा बहुत है,
लिख लेता हूं तो मैं बना देता हूं, मेरी प्रोडक्शन बहुत होती है, मैं छोटा सा काम नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं आपके पास कंटेंट जाए तो आप भी कहें यार ये तो हम थिएटर में देखते हैं इतनी क्लियरिटी, इतनी अच्छी क्वालिटी, अमित भाई यूट्यूब पर दिखाते हैं, तो मैं वो इसमें पैसा बहुत खर्च होता है, ऊपर से मेरा कॉपीराइट लग जाता है, मैं बचा कुछ नहीं पाता, लेकिन पैसा मैंने कभी प्रायोरिटी नहीं रखा, कसम से पैसा मेरे लिए कभी प्रायोरिटी नहीं है, मैं पैसे को प्रायोरिटी रखता ही नहीं, कोई बात नहीं, मैं जिंदा हूं, मेरे हाथ पांव सलामत है, आप मेरे साथ हो मैं बहुत कमा लूंगा, मुझे टेंशन नहीं है, मेरे लिए काम प्रायोरिटी है, काम पहले होना चाहिए। आप दिल साफ है, आपके जैसा इंसान दुनिया में सबसे हो तो अच्छा होगा, थैंक यू अंकित यार, सब अच्छे हैं, आप भी बहुत साफ हो, साफ इंसान साफ को जल्दी साफ ही बोलता है, जो दिल का कुछ साफ है। कुछ सवाल पूछो, कुछ इंटरेस्टिंग किसी वीडियो से रिलेटेड, कि कैसे उसकी स्क्रिप्ट हुई, क्या हुआ, कितना टाइम लगता है, एडिट कैसे होती है, कैसे भाई कैप कहां से लाते हो, भाई मैं कैप और जूतों का मुझे बड़ा शौक है, मेरे बाल वाल ठीक है, मेरे पांव वाव सब ठीक है, लेकिन मैं कैप और जूतों का मैं बहुत शौकीन हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं कैप लाता नहीं हूं, मुझे गिफ्ट कोई कर देता है, कोई मैं कहीं कुछ कपड़े लेने जाता हूँ वहां पसंद आ जाती है तो मैं ले आता हूँ, टी शर्ट बहुत अच्छी आपकी, थैंक यू यार, थैंक यू भाई। पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ाई, आपके दिमाग के संतुलन के लिए, आपकी प्रोग्रेस के लिए पढ़ाई बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन अगर आपके अंदर कुछ और टैलेंट है तो आप जबरदस्ती पढ़ाई ना करें। भाई आपने क्या यूट्यूब से आने से पहले कोई जॉब किया था? भाई मैंने बहुत कुछ किया था, बड़ा संघर्ष है, बहुत कुछ है, 20 मिलियन पे आपको सब पता लगेगा, बड़ा कुछ था, मतलब मुझे पता है यार मैंने कैसे अपना टाइम बिताया पास्ट, मैं लोगों को लगता है कि ये 2017, मैं 2014-15 में वीडियो को डबिंग करता था एक छोटे से फोन में, जब ना जियो कुछ भी नहीं था 2014, मतलब मुझे पता है, और फेसबुक पे डालता था, 500 व्यूज आते थे, मुझे बहुत अच्छा लग जाता था, तो मुझे पता है सब बारीकी, लोगों लोग कहते हैं अमित किसी से मिलता नहीं है, अमित के अंदर ईगो है शायद इसलिए नहीं मिलता, नहीं भाई ऐसा नहीं है, मैंने मंदा टाइम ऐसा देखा है ना कि कोई मेरे साथ नहीं था, मुझे साथ किसने, सिर्फ और सिर्फ लोगों ने साथ दिया, तो मैं सिर्फ काम में रहना चाहता हूँ, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज नहीं करना चाहता भाई। लव यू सर, लव यू ब्रो, लव यू भाई, आपकी वीडियोस की टॉपिक इतनी इंस्पायर्ड होती है, कीप मेकिंग सच वीडियोस, थैंक यू भाई, मेरी कोशिश रहती है मजाक, हंसी मजाक कॉमेडी करते करते कुछ इंस्पिरेशन देता रहूं, लेकिन अभी मैंने सोचा है कि मैं कुछ आने वाले टाइम तक कॉमेडी ज्यादा करूंगा, कॉमेडी पर ज्यादा फोकस रखूंगा, इंस्पिरेशन वीडियो थोड़ी कम बनाऊंगा, क्योंकि इंस्पिरेशन के चक्कर में क्या हो जाता है ना कि लोगों का थोड़ा ये हो जाता है कि कॉमेडी के साथ इंस्पिरेशन भी करता है, तो आपकी एक इमेज क्रिएट होती चली जाती है, तो मेरे को अभी कॉमेडी ज्यादा करनी है, तो अभी जितने भी कंटेंट आने हैं ना सब कॉमेडी। अच्छा एक बात बताओ मुझे, मेरे को आपसे एक बात पूछनी है, 2019 में सबसे पहले, 2020 में सबसे पहली वीडियो आई तकरार, फिर अजय देवगन सर वाली आई, 2020 में अभी तक 8 वीडियोस आई हैं, आपकी फेवरेट वीडियो कौन सी है मुझे अभी जाननी है, मैं सभी की पढ़ रहा हूं, मुझे बताओ 2020 की आपकी सबसे फेवरेट वीडियो कौन सी, तकरार से लेकर देसी वर्सेस अदर्स तक आप मुझे बताएं। ठीक है मैं पढ़ रहा हूं, YouTube से कितना कमाते हो? भाई मैं इतना नहीं कमाता, मेरी वीडियोस पर कॉपीराइट ज्यादा होते हैं, लेकिन जब मैं कमा लेता हूँ व्यूज के ऊपर डिपेंड करता है, अगर मेरे 15-20 मिलियन व्यूज आ गए हैं तो 2-3 लाख रुपए आ जाएंगे, है ना, खर्चा पानी चल जाता है, कैमरे लाइटिंग, एक वीडियो को बनने में ही लाखों रुपए लग जाते हैं मेरे, बड़ा खर्चा है, पर चला रहे हैं काम, कोई नहीं, मैं इंतजार कर रहा हूं कि आप बताएं कि आपकी फेवरेट वीडियो कौन सी है अभी तक। आने दो, थोड़े लेट जा रहे हैं क्या मैसेज, 2020 की आपकी अभी तक फेवरेट वीडियो कौन सी है? थोड़े लेट जा रहे हैं क्या, अभी तक आया नहीं है ऐसा कुछ लोग, अब एकदम से या मैं ऊपर था, अरे मैं ऊपर के मैसेज पढ़ रहा था, हाँ अच्छा, तकरार बोली एक भाई ने, थैंक यू,
अजय देवगन वाली, थैंक यू अजय देवगन सर वाली वीडियो अच्छी लगती है, थैंक यू। अच्छा बताओ ना, बताओ मुझे कि 2020 की आपसे आपकी सबसे फेवरेट वीडियो कौन सी है 2020 की। अपने पास बहुत टाइम है, 20 मिनट हो चुके हैं, अभी बहुत टाइम और बिताना है साथ में। अच्छा यार, खिलाड़ी मैं अनाड़ी, ठीक है। अजय देवगन सर वाली, थैंक यू। देसी वर्सी सदर को भी बोल रहे हैं, ठीक है। ठीक है ठीक है, बिटिया रानी, बिटिया रानी क्लास की टॉपर, तकरार, देसी वर्सी सदर। अच्छा देसी वर्सी सदर एग्जाम वाली, देसी वर्सी सदर, बिटिया रानी को सबसे ज्यादा आ रहे हैं, उस पर व्यूज क्यों नहीं आए फिर? क्लास की टॉपर, देसी वर्सी सदर, ओके क्लास की टॉपर, ओके ओके सभी टॉप है भाई, थैंक यू। पर मैं 2020 की पूछ रहा हूँ, अक्षय कुमार सर वाली भाई, वो 2019 में थी, 2019 की लास्ट वीडियो थी, देसी वर्सी सदर ट्यूशन वाली, ओके देसी वर्सी सदर क्लास की टॉपर, ट्यूशन ट्यूशन तकरार, ओके अक्षय सर वाली, ओके okay। अच्छा अक्षय सर वाली पीछे थी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब करते हैं और कुछ सवाल जवाब, जो आपको मुझसे रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड कुछ ऐसे सवाल पूछने हो कि आने वाले प्रोजेक्ट क्या है, कुछ मेरी पसंदीदा चीजें, ना पसंदीदा चीजें, बहुत सारे लोगों का एक सवाल होता है, मुझे उसका जवाब देना है। लोग कहते हैं अमित भाई, आप ये जो आपकी डीपी है फेसबुक की, यूट्यूब की, इंस्टा की, आप कभी नहीं बदलते है ना, ये आप सबका ही सवाल। यार मैं ध्यान नहीं देता डीपी पे, अपने चेहरे वेहरे, अपने लुक वुक पे मैं इतना ध्यान नहीं देता। मैं यार, मुझे पता है मैं बहुत ही कम इंस्टाग्राम पे 10-10 7-7 दिन में कोई पोस्ट डालता हूँ, 1-1 महीने में कोई फोटो डालता हूँ, तो इतना मैं ध्यान नहीं देता, ठीक है। तो इसका कोई रीजन नहीं है, बस मैं डालता ही नहीं हूं। बस मैं डालता ही नहीं हूं, कोई रीजन नहीं है कि हाँ भाई कोई रीजन है या कोई एक चीज है। आपकी मूछे बहुत अच्छी है, अरे कहाँ यार, है ही नहीं मेरे को दाढ़ी मूछे थोड़ी कम आती है, दाढ़ी मूछे मेरे को थोड़ी सी कम आती है। अच्छा और सर पढ़ाई में मेहनत कैसे करें भाई? अगर आप एक बार को ये पूछते ना कि वीडियो कैसे बनाए, तो मैं शायद कुछ ओपिनियन दे दूं। पढ़ाई के बारे में तो मेरी ओपिनियन ऐसी है कि मैं लास्ट बेंचर हुआ करता था, पढ़ाई में नॉर्मल स्टूडेंट हुआ करता था यार। मैं पढ़ाई बहुत करी, मैंने पहले ग्रेजुएशन करी, फिर लॉ करी, फिर एमबीए करी, है ना, अब एलएलएम करने की सोच रहा हूँ। तो पढ़ाई मैंने बहुत करी है, लेकिन भागता हूं मैं पढ़ाई से दूर। अभी कुछ भाइयों के नाम लेते हैं जिनके अच्छे अच्छे सवाल होंगे, जिनके भाई, ओके प्रसुख जैन पूछ रहे हैं योर करंट लोकेशन। भाई मैं अपने घर पर हूं, दिल्ली में। अभी मैं दिल्ली से बाहर नहीं हूं, दिल्ली में हूं। और जियो मैन अभी से, विच कार डू यू हैव? भाई कार तो मेरे पास फॉर्च्यूनर है, ठीक है, वो भी मेरे पास नहीं रहती, मेरे घर वाले उसकी मौज उड़ाते हैं, सूट वूट होता है तो मैं फोन करके कहता हूँ भाई दे जाओ मेरी कार, दे जाओ मुझे सूट करना है, मुझे कहीं जाना है, भाई डांस सिखा दो। लास्ट वीडियो पे यार बहुत अच्छा लगा आपको डांस, वो मैंने देखा, वैसे काफी अच्छा उस पर कॉमेंट थे। एडिट कैसे करते हो? भाई मैं प्रीमियर प्रॉपर एडिट करता हूँ, बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर होता है, जितनी भी क्लिप्स हैं, क्लिप्स रखी उसी के हिसाब से ऑडियो रखी, पहले एक रफ कट बना दिया, फिर उस पर म्यूजिक लगाना स्टार्ट कर देता हूँ, तो प्रीमियर प्रॉपर मैं एडिट करता हूँ। हाँ जी वीडियो का भाई, की बहुत सारे लोग ऐसे पूछ रहे हैं, आज से करेक्ट 6 दिन पहले वीडियो आई है, कहाँ थे आप? नोटिफिकेशन नहीं ऑन कर रखी आप लोगों ने?
मेरी हाँ यार, ये एक बात है, इसको सभी ध्यान से सुनना, मेरे को आपसे ये बात जरूर करनी है। अभी मैं YouTube का एनालिटिक्स देख रहा था कुछ दिनों पहले, तो इतने अपने सब्सक्राइबर एक्टिव नहीं है जितने नॉन सब्सक्राइबर एक्टिव है। तो जब ये आप वीडियो देखते हो तो भाई सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो? क्योंकि मैं नहीं बोलता, इसलिए ना कि अमित तो बोलता ही नहीं है, मत करो। जिस दिन वीडियो आएगी सर्च मार के देख लेंगे, अरे दबा दे करो यार बटन वटन, ऐसे करके टक 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 तोड़ दे करो बटन को, कर दिया करो, अच्छा लगता है। अच्छा तो वो भी कर दिया करो भाई। आपके फेवरेट सिंगर कौन है? एसजे गेमिंग पूछ रहे हैं भाई। सिंगर का ऐसा है कि जोन के ऊपर है, पंजाबी बॉलीवुड या रीजनल क्या पसंद है उसमें डिपेंड करता है कि मैं किसके सुनता हूँ। मैं 90s के सॉन्ग्स भी सुनता हूँ। मैं अभी के तो यार रिमिक्स होने लगे हैं। अब पहले बढ़िया गाने आते थे, मतलब बहुत बढ़िया बढ़िया हमारे पास म्यूजिक डायरेक्टर है मिथुन बॉलीवुड में, और मिथुन कितना अच्छा म्यूजिक देते हैं। शंकर एहसान लोहे, हिमेश रेशमिया के गाने बहुत पसंद है मेरे को, AR रहमान सर, कितने कमाल के लोग हैं। तो इनके ही बेसिकली मैं पुराने पुराने म्यूजिक सुन लेता हूँ। आज ही मैं वो वाला गाना सुन रहा था, अदिति हंस दे, वो वाला बड़ा अच्छा लगता है मेरे को। आपके दोस्त भी अच्छे हैं, थैंक यू यार। दोस्त बस लाजवाब होते हैं, अच्छे दोस्त मिल जाए तो जिंदगी में और कुछ चाहिए नहीं। आपकी फिल्म कब आ रही है भाई? फिल्म का अभी कोई मेरा इरादा नहीं है, अभी यूट्यूब ही है मेरी प्रायोरिटी। तो मैंने 3-4 फिल्में जो बॉलीवुड से ऑफर थी सेकंड रोल पर मैंने वो करी नहीं, क्योंकि मेरी अभी प्रायोरिटी अपना कभी यार बॉलीवुड प्रायोरिटी रहा ही नहीं कभी भी। अक्षय कुमार सर हो गए, कुछ लोग थे जिनके साथ काम करना था, सर से पहले भी कितने प्रोजेक्ट्स थे जो मना किए थे। ये मैं घमंडिया एटीट्यूड में नहीं बोलता, लेकिन आते हैं वहां से बॉलीवुड से आपको कि आपको ये करना है वो करना है, तो वो मोस्टली रिजेक्ट ही करे हैं मैंने, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी यूट्यूब ही रही कि मैं फिर और कहीं टाइम नहीं दे पाऊंगा, तो यही मैंने हमेशा सोचा है। सिंपल देसी, थैंक यू सो मच। आपकी स्माइल बहुत अच्छी अरविंद, थैंक यू अरविंद। तुम्हारी भी बहुत अच्छी होगी तभी तुम्हें मेरी अच्छी लग रही है। फेवरेट गन इन पबजी प्लेयर, स्पाइडरमैन पूछ रहे हैं मुझसे। स्पाइडरमैन बैटमैन का भी कमेंट होगा, मैं पढ़ता हूं अभी। मैं पबजी नहीं खेलता भाई। खाने में क्या पसंद है भाई? आलू गोभी, आलू मटर कभी भी खिला दो, वेज में आदमी हूं ना, मैं स्मोक करता ना मैं ड्रिंक करता हूँ, वेज में आदमी हूँ, पानी पी पी के मैं गुजारा करता हूँ अपना, रोटी खा खा के, तो सभी उसी से करते हैं वैसे तो। तो भाई आप फ्यूचर में क्या करने वाले हैं? देखो फ्यूचर में मैं जाके सोने वाला हूँ, इस वाले बेड पे आराम से सोऊंगा, वीडियो के प्रोस्पेक्टिव से एक बार ये खत्म हो जाए। अच्छा 20 मिलियन के गाने के लिए मुझे बताओ कौन कौन एक्साइटेड है, कमेंट करो कौन कौन, वो कमेंट करना कि जो इतने एक्साइटेड है कि भाई गाना आएगा नहीं उससे पहले पूरे विश्व में फैलाने का जिम्मा हमारा है, वही लोग कमेंट करें। 20 मिलियन पे गाना उसका मैं जल्दी रिवील करूंगा, अभी उसके स्टेज पर है, हम उसकी चीजें कर रहे हैं, लिरिक्स डन हुए हैं अभी, म्यूजिक सिंगर भी डन कर दिए हैं, बहुत ही तकड़े वाले। इस बार मैं भी कुछ करूंगा उसमें, देखना, पर ऐसा मोटिवेशनल सॉन्ग होगा, वो बता दिया मैंने तुम्हें कि मोटिवेशनल सॉन्ग होगा। पकड़ी गई भाई बात, पकड़ी गई गुरु, दिक्कत हो जाएगी भैया अब तो। लोग कह रहे हैं कि अपना रूम दिखा दो, यार ये मैं कैसे दिखाऊं इससे, एक तो मेरे पे फोन होता तो मैं दिखा देता, लेकिन ये मतलब ये मेरा रूम यही है, यहाँ पर मेरे कपड़े रहते हैं, यहाँ ये है, और ये ऊपर कैसे करूं यार, ये हो तो जाएगा कुछ बिगड़ ना जाए, बस मुझे इस चीज का डर है। ये मेरे अवार्ड्स वगैरह रखे हुए हैं जितने भी मुझे अवार्ड मिले हैं, ठीक है, ये देखो ये चीजें हैं, ये मेरा एक छोटा सा फोन है जो मेरा पहला फोन था, वो मेरा आज भी यहीं पर रखा हुआ है। ये मेरा देखो हाथ साफ करने का हैंड सैनिटाइजर मैंने रखा हुआ है, मैं हमेशा डोलची में और इस वाली बोतल में पानी पीता हूँ, तो ये मेरे रूम में हमेशा रखी रहती है, तो ये मेरा है। और अलमारी के ऊपर ये है,
ये यार छोटा सा ही हूँ, गरीब आदमी हूँ, मजाक मत उड़ाना बाद में, ठीक है ना, कि मजाक उड़ाने लगो कि भाई भाई के दौरे तो कुछ भी ना, छोटा सा कमरा है ये, पूरी की पूरी एक अलमारी है। इस अलमारी में क्या नाम है, सारे अवार्ड्स रखे हैं, सारी चीजें रखी हैं, और कच्चा बैन रखा है मैंने यहाँ पे रखा है, आई गेट लकी, यहाँ पे 10 मिलियन वाला अवार्ड रख रखा है मैंने इसके ऊपर। तो अभी मैं थोड़ा सा वेट घटाने पर भी जोर दे रहा हूँ कुछ दिनों से, कि वेट भी मैं घटा लूँ, कि वेट थोड़ा सा मेरा घट जाए, तो उस पे भी है। तो अभी 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 और देखो, आपने एक चीज नोटिस करी, वीडियो मैंने डाली, ठीक है, वीडियो पर लाइक्स थे, थैंक यू सो मच, लेकिन अभी तक मैं लाइव भी नहीं आया था, लेकिन उसको 200-300 लोगों ने डिसलाइक कर दिया था। ये नोटिस करने वाली बात है कि भाई इतनी नफरत किस बात से? जस्ट मेरा कंटेंट वो होता है जिस कंटेंट को आप रिलेट नहीं कर पाते, देसी चीज होती है, मैं अंग्रेजी ज्यादा नहीं बोलता, मैं आप लोगों की तरह यो यो ज्यादा समझ के नहीं रहता, इस वजह से है? नहीं भाई, ये गलत चीज है, मतलब मत क्या करो ऐसे काम यार, आप क्रिटिसाइज कर लो, लेकिन कोई चीज आई ही नहीं है, आ गई है, लाइव आई है, आपको लाइव में मेरी कोई बात बुरी लग रही है आप डिसलाइक कर दो, आप कमेंट कर दो, लेकिन अभी तक वो चीज आई नहीं थी और आपने पहले से पहले उसको डिसलाइक कर दिया। और ये मेरे साथ नहीं, मैंने बहुत लोगों के साथ देखा है, उन्होंने वीडियो लगा रखी है और अभी तक आई नहीं है, उनकी वीडियो नहीं आई है, लेकिन अभी कितने लोग, लेकिन आपने डिसलाइक उसको ऑलरेडी कर रखा है, समझ ही नहीं आता है, वजह ही नहीं समझ आती मुझे। एक तो वजह होती है कि हाँ चलो यार कोई वजह होगी तो कर दिया, लेकिन मुझे वजह ही नहीं समझ आती। चलो अब कमेंट पढ़ते हैं, आप लोगों के सवाल ढूंढते हैं, कमेंट ओहो चले, हाँ लाइव चैट ठीक है, स्क्रिप्ट खुद लिखते हैं आप, नव पटेल पूछ रहे हैं, हाँ भाई मैं स्क्रिप्ट खुद लिखता हूँ, सारे का सारा कंटेंट सब मैं लिखता हूँ, उसको कैसे बनना है वो भी मैं ही डिसाइड करता हूँ, लोकेशन कहाँ होगी वो भी मैं ही डिसाइड करता हूँ, टीम पूरा साथ देती है पूरा का पूरा, मैंने कुछ लिख दिया है तो बताते भी हैं कि भाई थोड़ा सा और इसको लिखो, अभी थोड़ा सा इसको और पॉलिश करो, एडिट भी मैं उनको दिखाता हूँ, अभी तो खैर मैं हो रखा हूँ वन मैन आर्मी, सारा स्क्रिप्ट लिखना विखना सब चल रहा है, शुरू से ही यही है मेरा, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि थोड़े से लोग जोड़ देने चाहिए अपने साथ जो इन चीजों में, भाई आपकी सक्सेस स्टोरी बताओ, साउथ वर्ल्ड पूछ रहे, भाई मेरी कोई अभी तक सक्सेस स्टोरी नहीं है, मैं अभी सक्सेस हुआ ही नहीं हूं अपनी लाइफ में, अभी बहुत कुछ बाकी है। दीप आर्ट कह रहे हैं आई ड्रॉ योर ड्रॉइंग, थैंक यू सो मच, आप मुझे भेजें इंस्टाग्राम पे, भेजें इंस्टाग्राम पे, द अमित बढ़ाना इंस्टाग्राम है, मैं कभी कहता ही नहीं यार ना, वहां फॉलो करने के लिए ना कुछ, वहां 3.7 मिलियन के आसपास फॉलोवर्स हैं, तो आप इंस्टाग्राम को भी देखा करो यार, वहां पर तो अब मैं बहुत ज्यादा रहता हूँ, दामित बढ़ाना के नाम से हूँ, तो वहां पर देखा करो, फोटो वीडियो वीडियो डालता हूँ, लाइक वाइक करा करो उन्हें, हैं? चलो पढ़ते हैं, भाई हेटर्स को इतना इंपोर्टेंस मत दो, अपना काम करते रहो, थैंक यू यार सैन चटर्जी, मैं कभी नहीं देता, मैंने जस्ट एक ओपिनियन दिया कि अभी तक कोई चीज आई भी नहीं थी और उन्होंने पहले से पहले ही वो दबा दी। देखो मैं रुकने वाला तो हूं नहीं, ये चीज पक्की है, मैं रुकने वाला नहीं हूं, कोई कितना भी जोर लगा ले, लगा लो जितना जोर है लगाना, टॉप पे बैठा है अमित बढ़ाना, साथ में आप जैसे लोग हैं तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैंने एक ओपिनियन रखी थी कि आप भी ये कितना भी डिसलाइक कर ले, लेकिन लाइक हमेशा इतने होते हैं कि तहस नहस मामला, तो वो प्यार है सब आपका। एडिटर कौन सा यू, सॉफ्टवेयर प्रीमियर प्रो एडिट करने के लिए, भाई आप टिकटॉक पर हो, भाई सीमा मैं टिकटॉक पर नहीं हूं, मैं टिकटॉक पर मेरा कोई अकाउंट नहीं है, मेरा टिकटॉक पर कोई आईडी नहीं है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं मैं टिकटॉक पर नहीं हूं, भाई लॉकडाउन में मजे आ रहे हैं, भाई पूरे मजे आ रहे हैं, बस पूछो मत कि, क्या
कितने मजे आ रहे हैं बस बता नहीं सकता। घर में ही पड़े हुए हैं भाई, बहुत बुरा हाल है, पर अपने लिए ही, अपने परिवार के लिए ही है चीजें। मैं ऐसे पढ़ लेता हूं थोड़ी सी। एडिटिंग आप कर, ऋषभ पूछ रहे एडिटिंग आप करते हो? हाँ ऋषभ, एडिटिंग मैं करता हूँ। ऋषभ कह रहे इंडस्ट्री के लोगों से मिला करो। भाई मैं, भाई मैं मिलता हूँ जितने लोगों से मुझे हो पाता है, थोड़ा वाइब का बात, वाइब की बात होती है ऋषभ। अगर मुझे वाइब आती है तो मैं डेफिनेटली मिलता हूँ, और मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ, ऐसा नहीं है। वाइब अच्छी आती है तो मैं जरूर मिलता हूँ। डू यू हैव मर्सिडीज एंग्री गेमिंग? भाई ये कहां से पढ़ लिया, मेरे पास कोई मर्सिडीज नहीं है। चलो 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 भाई, यूट्यूब के अलावा क्या करते हो? भाई मैं यूट्यूब के अलावा सोता हूँ। यस भाई, टी शर्ट कहाँ से ली आयुष? मैंने भाई एक मॉल से ली थी, शायद नोएडा में किसी मॉल से, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका मॉल का। आपने कितना डोनेशन दिया डेविल जोड़ी? भाई वो मैटर नहीं करता, वैसे मैंने 5 लाख रुपए पीएम फंड में दिए हैं, और मैं पिछले 12 या 14 दिनों से जितने भी लोग ऐसे हैं जो अभी जिनके पास राशन नहीं है उनको डेली मैं खाना भिजवा रहा हूँ अपने पड़ोस में, तो जितना मुझसे हो पा रहा है मैं उतना करता हूँ। हाँ मैं वीडियो बनाकर नहीं डाल रहा उनकी, मुझे लगा नहीं कि मुझे वीडियो डालनी चाहिए, लेकिन आप देखें हो, आपको भी अगर कोई ऐसी जरूरतमंद या लोग लगे अपने आसपास तो आप उनकी मदद जरूर करें। भाई एक नंबर वीडियो है। थैंक यू अभिजोत, थैंक यू सो मच। शूट कौन करता है सर? शूट करते हैं यार सेक्टिक शिवम, ये लड़के हैं, ये अपने बड़े मेहनती लड़के हैं, ये हमेशा वीडियो को शूट करते हैं। कभी गिव अवे भी कीजिए भाई, मैंने गिव अवे किया था एक स्कूल के लास्ट डे वाली वीडियो पर, मैं पक्का डेफिनेटली एक बार और गिव अवे करूंगा, और मैं करता रहूंगा जब मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ यार ये चीज है, ये चीज मुझे देनी है, या ये चीज मुझे गिव अवे करनी है, तो मैं जरूर करूंगा डेफिनेटली। कोई बात ही नहीं है यार आपके लिए, जाना जी रहे, बस मांगना मत, इंपॉर्टेंट है थोड़ी। अच्छा अच्छा चलो चलो पहुंच जाते हैं। आपने लो कहां से किया है? स्टेला स्टेला पूछ रहे हैं। मैंने मेवाड़ से लो किया है। भाई यूट्यूब पर वीडियो बनाना आपसे सीखा है सबने यार, यू आर द बेस्ट मेरे भाई। पंकज भाई थैंक यू सो मच, थैंक यू। काफी लोग वीडियोस में इंस्पिरेशन मांगते हैं, तो उनको भी बहुत सारा प्यार, और आपको भी लव यू। मुझसे पहले भी बहुत लोग वीडियोस बनाते थे, उन लोगों ने भी बहुत इंस्पायर किया है, हमने भी बहुत किया है, तो थैंक यू। डायमंड प्ले बटन दिखा दो, देखना चाहोगे? डायमंड प्ले बटन देखना चाहोगे बताओ, मुझे कमेंट करके बताओ। अभी मैं कमेंट पढ़ रहा हूं कि डायमंड प्ले बटन देखना है, डायमंड प्ले बटन अगर देखना है तो मैं अभी दिखा देता हूं। मैं कमेंट पढ़ रहा हूं, डायमंड प्ले बटन। हाँ, इतने सारे लोग कह रहे हैं यस यस यस, मैं दिखाता हूं फिर, है ना? ये कुछ 30 सेकंड तो लगेंगे, देखो। ये डायमंड प्ले बटन है, थोड़ा सा मैंने ऊपर रख रखा था ये, कि ये लग नहीं सकता दीवार में। टैंटन, ये लो खींच लो फोटोज, जिनको भी फोटोज खींचने हैं फोटो खींच लो। ये डायमंड प्ले बटन है यार, ये आप लोगों की वजह से मेरे पास है, थैंक यू यार। डायमंड प्ले बटन के लिए ये वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करनी है वो कर देना। हमारे 19 मिलियन सब्सक्राइबर होने में शायद 10,000 कम है, तो सब्सक्राइब करो, दोस्तों को भी बोलो करने के लिए। वैसे तो मैं कभी बोलता नहीं हूं, लेकिन आज मैं बोल देता हूँ क्योंकि मुझे पुरानी यादें ताजा हो गई 10 मिलियन वाली। तो अब तो खैर मोह माया बड़ी खत्म हो चुकी है,
पहले जुनून था कि हाँ भाई ये वो, अभी सिर्फ और सिर्फ एक काम का जुनून है। पहले बड़ी चीजें हुआ करती थी ये वो, अब तो मैं बड़ा सिंपल सा जीवन व्यतीत करने लगा हूँ, सिर्फ काम और सिर्फ काम। लेकिन जबरदस्त वापसी हमेशा करते हैं हम, कोई दिक्कत ही नहीं है। वेट करो 20 मिलियन के गाने का, फिर उसके बाद जो जो चीजें आनी है वो आप सभी को सरप्राइज कर देंगी। तो ये है, आप सभी ने कहा, मैंने आप सभी के लिए दिखा दिया आप सभी को। तो थैंक यू यार, इमोशनल हो जाता हूँ मैं इसे देख के। मुझे इसका एक एक मोमेंट याद है यार, ये हमने 2 साल के अंदर हम इसको ले आए थे। ओए होए, बात अलग है यार आप लोगों की। थैंक यू यार मेरी लाइफ में आने के लिए, मैं दिल से बोलता हूँ ये बात सच में। टू बी ऑनेस्ट, इंग्लिश मार दी मैंने थोड़ी सी, देखो यहाँ पे टू बी ऑनेस्ट बोल के, लेकिन सच में यार तुमसे बहुत प्यार है मुझे। अब लोग सोचे पता नहीं क्या क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, ठीक है ना, ओवर एक्टिंग कर रहा है ये वो मैं वीडियो में भी करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, आप लोगों को अच्छा लगता है, मैं इसलिए करता हूँ, मजा आता है उसमें, उसको भी तो एक एक्टिंग ही है ना। आप भी कर लो। आई लव यू डेयरिंग क्रिएटर कह रहे हैं, थैंक यू, लव यू डेयरिंग क्रिएटर। भाई आप तो हीरो हीरो हो। ये कह रहे हैं थोड़ा सा इनका नाम डिफिकल्ट था, ग्रैंडिट गेमिंग करके। लव यू भाई, लव यू, लव यू। लव फ्रॉम आसम, थैंक यू संजय, थैंक यू, लव यू, लव फ्रॉम इंडिया। मुझे एक चीज और बताओ कमेंट करके, मेरे को देखना है कि अभी हमें, अभी जितने भी आप लोग हो आप किस किस स्टेट से हो, कौन कौन सा आपका राज्य है। लाइक मेरा दिल्ली है, मेरा दिल्ली है, अभी मैं दिल्ली में बैठा हूं तो मैं दिल्ली में देख रहा हूँ। तो हम भारत से किस किस राज्य में लोग मुझे अभी देख पा रहे हैं, मुझे वो चेक करना है, मैं देखता हूँ अभी। ओके, दिल्ली, नोएडा, हरियाणा, गुजरात, कोलकाता, एमपी, एमपी, यूपी, वेस्ट बंगाल, ओके, उत्तर प्रदेश, जम्मू, झारखंड, राजस्थान, त्रिपुरा, मणिपुरी, मेनपुरी, सॉरी सॉरी माफ करना, मैं कुछ समय इधर उधर निकल जाता हूँ। कमाल है यार वो, मतलब वो अभी तो हमारे बीच में नहीं है लेकिन कमाल के आर्टिस्ट हैं वो, पाकिस्तान के, सल्यूट है उनको। बॉम्बे, गुजरात, राजस्थान, जम्मू, राजस्थान, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, नेपाल, दिल्ली, भुवनेश्वर, प्रीत विहार, पंजाब, असम, ओ असम से भी, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, राजस्थान, बिहार, बिहार, वाराणसी, पंजाब, झारखंड, पटना, ओके, लद्दाख, ओके, बेंगलोर, हरियाणा, बेंगलोर, यूपी, अलीगढ़, महाराष्ट्र, यूएसए। झूठ तो ना बोल रहा भाई, मैं खुश हो जाऊंगा कि अमेरिका से भी है कोई। छत्तीसगढ़, राजस्थान, लव फ्रॉम बेल्जियम, जगदीश, लव यू टू भाई, पाकिस्तान, नेपाल, अमेरिका। अब तो झूठ है, अब तो गौरव तू झूठ बोल रहा है, अमेरिका में तो नहीं है तू। थैंक यू, लव यू यार। तमिलनाडु, ओके, अंडमान, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, ओके, लद्दाख, हैदराबाद, अच्छा, भिलवाड़ा, यूपी, लंदन, बांग्लादेश, छत्तीसगढ़, ओके, बिहार, पेरिस, कैलिफोर्निया। बस अब ना पूछ रहा मैं, अब तुम आ गए हो मजाक करने पे। अब यहाँ पे एक एक आदमी लिखेगा चाइना, चाइना भी जरूर पक्का कोई ना कोई पे लेगा कि भाई मैं चाइना से। चाइना लिख दिया एक, चाइना, चाइना से। भाई अभी जो पूरे विश्व में जिस तरह के हालात हो रखे हैं ना, सच में यार दिल से प्रेयर करो कि सब अच्छा हो जाए, सब सब अच्छा हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए। बेवजह मौत नहीं होनी चाहिए, बेवजह मौत नहीं होनी चाहिए। तो अभी देखो 44 मिनट है, मैं करूंगा 59 मिनट या 60 मिनट तक, अपने पास 15-16 मिनट है और अच्छे से बुना लेते हैं, तो हो जाए कुछ प्यारे प्यारे और सवाल जवाब, कुछ और इंटरेस्टिंग। वैसे मुझे लग रहा है बड़ा मजा आया आज, खुल के बात हुई, हंसी मजाक हुई है। आप बताओ आपको कैसा लगा है? मैं पढ़ता हूँ सभी की, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा, कैसा लगा? मजा आ रहा है भाई, भाई आप गजब हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक
थैंक यू, ओके, ठीक है, मस्त, गुड, मजा आ गया, थैंक यू विनोद सुमित, अच्छा, बहुत अच्छा, थैंक यू सुभाष, अंशु, थैंक यू रविंद्र, थैंक यू दीपेश, लव यू राजा, राजा साहू, एक तो ना इतने सारे नाम एकदम से पढ़ लेते हैं तो जीभ भी लड़खड़ाने लगती है। अच्छा अभी कुछ सवाल जवाब हो जाए जिनके मस्त होके जवाब देने। देखो एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं, कुछ सवाल सच में ऐसे होते हैं जिनके मैंने कभी जवाब नहीं दिए, मैं मानता हूं, और मैं उनके कभी जवाब नहीं दूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी एनर्जी मेरा समय उनमें खराब हो रहा है। मैं गलत हूं कुछ चीजों में या मैं कुछ सही हूं, मैं अपने आप को भगवान या दूध का धुला नहीं कहता, लेकिन मैं मानता हूं मुझसे भी गलतियां हुई हैं, हर किसी से थोड़ी थोड़ी गलतियां हुई हैं, लेकिन मैं गलतियों से सीख रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं। एंड ऑफ द डे मैटर करता है दिल, वो मेरा साफ है, काम को लेकर, आप सबको लेकर और चीजों को लेकर, वो मेरा दिल पूरा साफ है और मैं उसी साफ मन से सारी चीजें आगे करता हूं। तो मुझे पता है तरह तरह की मेरे लिए र्यूमर, तरह तरह की चीजें मेरे लिए रहती है। मैं मानता हूं अगर मैंने काम इतनी सी कामयाबी भी पाई है तो इतनी जलन भी पाई है लोगों में और इतना सारा प्यार भी पाया है, मैं इतने सारे प्यार को ध्यान में रखता हूं, इतनी जलन को नहीं। कोई बात नहीं, इस जलन को लोगों को चलने दो, मेरा काम है, चलते रहना, आपको प्राउड महसूस कराते रहना, चीजें कराते रहना। दादा साहब फाल्के हमने लिया अवार्ड, फोर्ब्स मैगजीन में हम आए, इंडिया के पहले क्रिएटर हम थे जिसकी वीडियो पर 1 मिलियन लाइक्स थे, पहले क्रिएटर हम थे 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन लाइक्स जिस पर थे, परिचय पर, परिचय आप सभी को पता है, परिचय को आप सब कितना पसंद आया था। तो हमने अपने काम से हमेशा प्राउड किया है, मैं नहीं कहूंगा मैंने कराया, हमने, जितने भी लोग 12,000 इसमें दिख रहे हैं मुझे, लेकिन जितने भी ज्यादा लोग इसको देख रहे हैं सबने हमने प्राउड फील कराया है और ऐसे प्राउड फील कराते रहेंगे। अगर मैंने कुछ गलत बोला है तो मुझे बताएं, अभी कमेंट में बता दे, या मैं सही हूं अपनी जगह या क्या हूं, या मुझे ऐसे ही जैसा हूं ऐसे ही चलते रहना चाहिए ना, बिना किसी की सुने, बिना किसी की देखे, सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे फोकस, दैट्स इट। अच्छा अच्छा काम देना, टॉप क्लास काम देना। अच्छा तो कमेंट बना जाते हैं वापस, पढ़ते हैं आप सभी के। हाँ ओके, किधर गए भाई, बहुत बढ़िया हुआ आप खींच के रखो, थैंक यू भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू भाई, आपसे टॉप कोई नहीं है, आपने हमें सबको प्राउड कराया, थैंक यू यार, थैंक यू सो मच, थैंक यू भाई। न्यू यूट्यूबर्स के लिए टिप्स, बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल, ओरिजिनल, अपना देखो, दूसरों को देख के नहीं चलना, ऐसा लग रहा है अरे इसने इतना नाम कमा लिया मैं भी करूं तो मैं ना कमा लूं, क्या पता मैं भी कमा लूं, क्या पता आपका किसी और चीज में इंटरेस्ट हो, जरूरी नहीं आपका यूट्यूब पर ही हो, लेकिन यूट्यूब आपको इजी ऑप्शन दिख रहा हो, चाहे वो यूट्यूब हो, टिकटॉक हो, इंस्टाग्राम हो, कुछ भी हो, आपको इजी ऑप्शन दिख रहा हो, नहीं आपको। अगर मैंने भी ये सब शुरू किया था तो मुझे पुश बहुत था लोगों का, मेरे दोस्त मुझे बोलते थे कि भाई तेरी कॉमिक टाइमिंग अच्छी है, तू इसका कुछ कर, तू अच्छी वीडियो, तू अच्छे पॉइंट सुनाता है, तू अच्छी कहानियां सुनाता है, तू कुछ कहानियां लिख। तो मैंने इसीलिए किया, मैंने ये देखकर नहीं किया अरे ये है इसका कितना नाम हो गया है। तो आपको ये चीज बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है। चलो अच्छे अच्छे सवाल उठाते हैं। रूम टूर आदर्श कह रहे हैं भाई मैंने करा दिया है, आप पूछना सभी से, इस वीडियो को देखना, मैंने करा दिया है। न्यू वीडियो कब आ रही है भाई, वीडियोस तो बहुत सारी शूट करके रख रखे लेकिन डालने का मन ही नहीं है यार, अभी जैसे हालात चल रहे हैं तो मन नहीं है। 6 दिन पहले एक वीडियो आई है, नहीं देखी तो जाओ जाकर देखो, उसको दोस्तों को दिखाओ, अपने सभी को, यार बड़ी मेहनत लगती है, लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, कमेंट जितने आपको पसंद आए तो उस पर बता दिया करो, अच्छी है बुरी है, दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो, है ना। 19 मिलियन होने वाले हैं हमारे, फिर 20 मिलियन होंगे, फिर 21 होंगे, फिर ऐसे ऐसे गाड़ी चलती रहेगी, बना क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ एक चीज, प्यार। तो प्यार बनाए रखें बस, मुझे वही चाहिए। मैं कभी कभी टूट जाता हूँ कि जब मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं मेरे साथ कोई है या नहीं है, या मैं अकेला हूं, या मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन फिर मैं लाइव आता हूँ, लोगों से बातें करता हूँ तो मुझे लगता है अरे पूरा परिवार, सब लोग मेरे साथ हैं, बस लव यू।
भाई एक बार अपना डायलॉग कतई जहर बोल दो। आर्यन कह रहे हैं कतई जहर। अभी अगले 2 मिनट तक डायलॉग बताओ, डायलॉग बोलेगा तुम्हारा भाई। कौन सा तुम डायलॉग बोलोगे वो डायलॉग बोलूंगा मैं। तुम बताओ मुझे कौन सा डायलॉग चाहिए तुम्हें, डायलॉग बताओ, पूरे स्टाइल में बोला जाएगा वो। बताओ कौन सा डायलॉग चाहिए, डायलॉग का नाम बोलो और डायलॉग हाजिर। कहां गया कहां गया? ओके बावली लौंडी, बावली लौंडिया। पहचान की बोरी हसीना गोरी है, घर पे रखी पहचान की बोरी है। पबजी लवर ने पूछा था ये डायलॉग, दोस्ती वाला। ना चाहिए पैसा ना चाहिए कार, बस जिंदगी भर चाहिए तेरे जैसा यार, तुम जैसा यार, तुम सब जैसा यार। इसको भी ना पढ़ाना, नाम है अमित बढ़ाना। ये तो सदाबहार डायलॉग है, मतलब मैंने इससे भी अच्छे अच्छे डायलॉग बनाए हैं, लेकिन पसंद आपको यही है। मास्टर भी कहते इसे ना पढ़ाना, नाम है मेरा अमित बढ़ाना। उड़ती उड़ती खबर आई, उड़ती उड़ती खबर आई है, लौंडिया नहीं तू तो मलाई है। जूता संतरी, जूता है सफेद है कुर्ता, जूता है संतरी, आज बनाऊ तो है मंत्री। बड़ा यार तकड़े लड़की, तू बड़ी हॉट है, ये वो था। एक तो इतने सारे डायलॉग है मैं ही भूल जाता हूँ, इतने मैं पढ़ाई में याद कर लेता तो मैं क्लास में टॉपर होता। लड़की तू है बड़ी, हाँ लड़की तू है बड़ी होट, हमें ओरिजिनल बाकी सब जाली नोट। ना फूफा हमारा सांसद, ना चाचा हमारा विधायक, नायक नहीं हमें खलनायक। मक्का की रोटी और सरसों का साग, बना दो कैड़ा सा राग। ना देखियो दाए बाएं, गेल में लियो 2 गिलास चाय, नजर न हटनी साथ में चाहिए पुदीना की चटनी। 2020 है साल, साथ में लियो मक्का की मसूर की दाल। अरे सब तुम्हारा भाई लिखता है, सब याद होंगे। सेठों में सेठ बड़ा ना जाप सेठ, बाकी सब फोटो स्टेट। कहां रहते हो भाई, आपसे मिलना एक बार। भाई मैं लोगों के दिलों में रहता हूं। ला 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 ला, मजा आ रहा है बात करने में, मजा आ रहा है। हैं 20 मिलियन पे लाइव आऊंगा, यहीं सबसे मिलके। ये रूम होगा या कोई और होगा, जगह का पता नहीं क्योंकि समय का कुछ नहीं पता होता, लेकिन लाइव आऊंगा और आप सबसे बात करूंगा, प्रॉमिस। हाथ मिलाओ, नहीं नमस्ते, कोरोना चल रहा है ना, नमस्ते करो। लव यू भाई पीएस फौजदार, लव यू टू भाई। और कुछ पूछने हो या हम खत्म करें या कुछ और सवाल जवाब आने वाले हैं मुझे बताओ, कितने मिनट और करें या फिर। मुझे बहुत मजा आया यार, सच में बहुत मजा आया, अच्छा लगा बात करके ना, बहुत बहुत अच्छा लगा बात करके सच में। अभी मैं सबके नाम लूंगा जो जो इसमें आते रहेंगे, और जिनके मैसेज मुझे लगेंगे अच्छे मैं उनका रिप्लाई, अच्छे मतलब जो मुझे प्यार भरी रस भरी बातें कर रहे होंगे मैं उनको भी लव यू बोलूंगा। अब लव यू टू का टाइम है। 10 मिनट बोला एक भाई ने, पक्का भाई 60 पर इसको अब खत्म कर देंगे, और बताओ ठीक है। भाई ने मेरे को बोला डीएस क्रेशन लव यू भाई, लव यू चिराग शर्मा, लव यू डी क्रेशन, लव यू सुमित, पूरब लव यू, कार्तिक लव यू, अरे भैया रुक जाओ, रुक जाओ रे, शुभम लव यू टू। परिचय सॉन्ग का डायलॉग, इस इंडस्ट्री का कल्चर ही ऐसा है, ये उगते सूरज को सलाम करते हैं। जब मेरा बुरा वक्त काम के लिए था तो मेरा अच्छा वक्त भी काम के लिए ही होगा।
और देख लो इस बात पर टिका हुआ हूं मैं। एक हरकत तुमने अपने भाई की ऐसी नहीं देखी होगी कि कहते हो यार काम नहीं करता ये, मक्कारी ज्यादा करता है। काम करता हूं दिल से आप सबके लिए। लव यू प्रिंस, लव यू निखिल, अमरेश, बाबू गेमिंग, आईफोन कह रहा है, बाबू गेमिंग कह रहा है आईफोन। भाई थोड़े पैसे जोड़ के ले लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। लव यू अमन, लव यू चिंकू, रोबिन लवर, लव यू श्रेष्ठा, लव यू टू ऋषभ, लव यू, लव यू हिमांशु, सभी को लव यू, सभी को लव यू। 5 मिनट रहते हैं, हो जाए कुछ तड़कते भड़कते सवाल जवाब बातें हो जाए। अमित भाई जिंदाबाद, नहीं भाई हम सब जिंदाबाद। मजा आया बात करके, मजा आया। मेरा नाम ले लो, आपका बिग फैन हूं। अंजय आपका नाम लिया, मैं आपका फैन हूं, आप मेरे, मैं आपका, हम सब ऐसे ही चलाएंगे चीजें। लव यू, लव यू, लव यू शिवम, लव यू अनिल, लव यू बालक, लव यू अब्रार, है ना। बहुत सारे सवालों के जवाब दिए, बहुत सारी बातें करी, बहुत सारी चीजें, मुझे मजा आया, बहुत सारे सवाल थे। अब सवाल लेते हैं वो जिन्हें बात करने में या जवाब देने में मजा आए, कि ऐसे सवाल पूछो। अमित भाई आपका चश्मा बहुत अच्छा है, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। ऐसे सवाल पूछो जिसका एक भाई कह रहा है कि एक महीने का पता नहीं कितने जीरो अड़ा रखे हैं कि अमित भाई इतना कमाते हैं। भाई नहीं कमाता, इंटरनेट वाली बातों पे मत जाया करो, मेरी वीडियोस पे कॉपीराइट लग जाते हैं। और अगर मैं भाई कमाता भी हूं तो मैं इन्वेस्ट करता हूं, अपना टाइम दे रहा हूं, अपनी चीजें दे रहा हूं, कुछ आ जाता है कमा के उससे मैं अपना घर चला लेता हूं, तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पीछे 20-30 लोगों का घर और चल रहा है, इतना बड़ा मेरा क्रू है, इतनी बड़ी टीम है, कैमरामैन से लेके हर चीज। तो भाई इतने घर चला रहा हूं, मुझे बड़ी खुशी होती है, कमा रहा हूं। तो भाई आवारा था लेकिन अब मैं कमा रहा हूं, तो अच्छी बात है। अभी कुछ अच्छे अच्छे सवाल लेते हैं, जो सवाल लगे कि हाँ मजा आया जवाब देने में। बीस मिलियन कब होंगे भाई? पता नहीं, जब आप कर दो आज से ही लग जाओ, 1 मिलियन का ही तो रह रहा है फर्क, लग जाओ वीडियो फैलाना, सभी को दिखाना, लग जाओ, हो जाएंगे 10-15 दिन में, फ्री तो है हम, लग जाते हैं आज से इसी काम पे। रामायण देख रहे हो या नहीं भाई? मैंने बचपन से रामायण, सकल का बुम बुम, महाभारत, सोनपरी, राजा रेंचू, इन्हें ही देख देख के मैं बड़ा हुआ, स्कूबी डू, इन्हें देख देख के मैं बड़ा हुआ, WWE, पोकेमोन, अपना अलग ही टाइम था यार वो, मतलब शक्तिमान के लिए संडे को वेट कर रहे हैं, स्कूल से आ रहे हैं, अलग था वो। अब कब लाइव आओगे मेरे भाई निलेश? 20 मिलियन पे प्रॉमिस। नेपाल आओगे? बिल्कुल आऊंगा रोमन, बिल्कुल आऊंगा, नेपाल मुझे बहुत पसंद है, यू डिजर्व फॉर डैट, थैंक यू मंगल, थैंक यू सो मच। देश का नाम रोशन करते रहो, थैंक यू चिक राइडर, थैंक यू, थैंक यू भाई। 10th में कितने परसेंट थे भाई? एक लड़की के मेरी क्लास में 90% थे, तो मैंने उसको बोला था कि तू अकेले 90% लाई है, इतने में मैं और मेरा एक दोस्त पास हो जाते, अब समझ जाओ कितने परसेंट होंगे मेरे। भाई आपकी, भाई आपकी मैथ्स कैसी है? भाई मेरी बहुत बेकार है, बहुत बेकार है मैथ, मेरे को मैथ इतना मेरे को पसंद नहीं था। मेरे पे 12th में कॉमर्स थी, मैं कॉमर्स से पढ़ाऊं तो मेरे पे 12th में कॉमर्स थी, तो मेरे को अकाउंटेंसी थोड़ा ठीक लगता था पढ़ने में, इको में मजा आता था, मैथ में इतना मजा मेरे को कभी नहीं आया। बिजनेस स्टडी मेरे को अच्छा लगता था पढ़ना, पर मेरे को मैथ में कभी इतना मजा नहीं आया। वो यार यू जमुना यार, C1 में 11th 12th मैंने कॉमर्स से करी, ओए होए क्या दिन थे, साइकिल पे जाना, नए नए दोस्त, कोई टेंशन नहीं, अच्छी अच्छी बातें। आज 12 बजे दोस्त बोलता था तो 11:55 पे उसे खड़े मिलते थे, और आज 12 बजे दोस्त को बोल के 2 बजे उससे मिलने जाते हैं। टाइम कितना चेंज हो चुका है, ना फोन था ना कुछ था, अब ना मस्ती में गए मस्ती में आए, ऐसे ही टाइम कट जाता था, कुछ पता नहीं लगता था यार। सभी को बहुत ज्यादा सरकारी विद्यालय
उसी से इंस्पायर होकर मैंने बनाई थी अपनी लाइफ से, सरकारी स्कूल का मैं बच्चा था तो मैंने उसी से इंस्पायर होकर बनाई है। तो लव यू इन्फिनिटी फैक्टर किंग, लव यू भाई, लव यू मोर भाई, लव यू मोर। मेरे भाइयों के नाम बड़े अजीब अजीब हैं, फैक्टर किंग और ये, मतलब कुछ तकड़े तकड़े से नाम लाओ, अंकित, अमित, अनुज, रवि, नीलेश, ऐसे नाम और भी बहुत सारे प्यारे प्यारे नाम है। फैक्टर किंग लग के मुझे ऐसे लगता है कि भाई कहीं विदेश पहुंच गया मैं। संगीता कह रही है कैन आई गेट योर फोन नंबर। संगीता जी नंबर नहीं दे सकते, बस दो चार पांच चीजें हैं जो हमारी हैं, हमारे पास रहने दो, बाकी हमारा दिल है वो तो आप लोगों के पास जा ही चुका है। सर कभी चप्पल खाई है मम्मी से? भाई बहुत, मैं तो बहुत पिटाऊं, मैं तो घैर आदमी था, मैं तो बचपन से ही पिटाऊं भाई, मेरे नसीब में ही पिटना चितना मेरे नसीब में ही था ये। आपके जैसा पूरी दुनिया में कोई नहीं, हिमांशु लव यू, लव यू इस बात के लिए, लव यू पर हैं, अगर अपने घर में देखेगा तो माँ बाप हैं मुझसे बहुत करोड़ों गुना अच्छे हैं। लॉकडाउन कब खुलेगा भाई? भाई नो आइडिया सीरियसली, बिल्कुल नहीं पता मुझे। यूपी कब आना है भाई? मैं आता रहता हूँ नोएडा, नोएडा ग्रेटर नोएडा में शूट करता रहता हूँ, बुलंदशहर में कभी भी। एक तो यूपी इतना प्यारा है ना, कहीं भी शूट कर लो लोग इतनी इज्जत और प्यार और सम्मान देते हैं ना, पूछो मत। मिलना चाहता हूँ आपसे सर फेस टू फेस, आइए भाई। फोन अभी आप हो घर पर, हो फोन पर, हो देख रहे हो आप मुझे है? आपका नाम निकल गया शायद, रुको हाँ देखो मिल गए फेस टू फेस। मैसी और रोनाल्डो यार दोनों लेजेंड है, और लेजेंड लोगों को कभी कंपेयर नहीं करते, कंपैरिजन तो किसी से नहीं करते, कंपैरिजन करना ही नहीं चाहिए। सब अपनी अपनी लाइफ अलग अलग तरीके से अपने अपने तरीके से बिता रहे हैं। भैया आपने डोनेशन दिया? हाँ यार मैंने पीएम फंड के लिए डोनेशन दिया है। आपने कम्युनिटी यार ये चीजें, एक तो स्टोरीज देखा करो यूट्यूब पर, स्टोरीज देखा करो यूट्यूब स्टोरीज पर, मैं बहुत एक्टिव रहता हूँ, कम्युनिटी लिखा रहता है कम्युनिटी टैब, उसमें भी देखा करो, मैं कम्युनिटी टैब पर भी बहुत पोस्ट डालता हूँ चीजें, वहां पर देखा करो वीडियो के लिए अपडेट। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लो @thedamitbadhana, वहां पर बहुत सारी चीजें आती हैं जो हमें पता लगती रहती हैं। कल तो जॉन सीना और लीली सिंह ने आपका ट्वीट लाइक किया है, पता नहीं भाई मुझे जॉन सीना, मुझ सुना है मैंने जॉन सीना सर ट्विटर पे फॉलो करते हैं मुझे, चलो अच्छा लगा। झारखंड कब आओगे भाई? बहुत जल्द आऊंगा भाई, बहुत जल्द आऊंगा भाई। भाई 20 मिलियन पे बिहार में मीटअप, भाई पूरे ऑल ओवर इंडिया नॉट ओनली बिहार, इंग्लिश मार दी मैंने बहुत कैडी, लेकिन बिहार ही नहीं हर किसी से मिलूंगा, क्योंकि बिहार सारे राज्य से इतना प्यार मिलता है ना। अभी देखा था जब हमने स्टेट पूछे थे तो कमेंट हर स्टेट, मतलब अंडमान निकोबार से भी कमेंट था, और लोग चाइना से भी कमेंट मार रहे थे झूठ बोल बोल के मुझे खुश करने के लिए, इतना तो लोगों में प्यार है। लव यू भाई, लव यू, यू डिजर्व मोर देन डेट यू आर। अरे भाई थैंक यू, जो मिल रहा है उसे खोया नहीं करते, जो नहीं मिला उसकी फिक्र करा नहीं करते। क्या बात बोल दी, क्या बात बोल दी लड़के। भाई वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर फ्री या परचेज? भाई शुरू में फ्री था, फिर परचेज कर लिया प्रीमियर, बीच बीच में हैंग हो जाता था, मैंने फिर परचेज कर लिया। भाई यूट्यूब पे बोलते हैं आपने एलएलबी की है? भाई की है, मेवाड़ में की है, मैं तभी तो कह रहा हूं इंस्टाग्राम पर मैंने पोस्ट भी डाली थी जब मुझे उसी कॉलेज ने इन्वाइट किया था, आपने शायद देखी नहीं। भाई आपकी एजुकेशन क्या है प्लीज? भाई मैंने 12th, फिर मेरी ने ग्रेजुएशन की, फिर मैंने एमए इंग्लिश की, फिर मैंने लॉ करी, ये मेरी ग्रेजुएशन है भाई। ओह सॉरी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ये मेरी।
आपका पहला अवार्ड कब मिला था भाई? शुरू के दिनों में मिला था अवार्ड। अवार्ड में मैं ज्यादा बिलीव नहीं रखता, लेकिन छाती चोड़ी मोमेंट था जब मुझे दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था, तो बड़ा मुझे खुशी हुई थी। उससे पहले मैं अवार्ड में इतना वो रखता नहीं था, लेकिन जब मुझे पता लगा दादा साहब फाल्के मिल रहा है तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी। भाई दिल्ली कब आओगे? भाई मैं दिल्ली में हूं, दिल्ली में ही रहता हूं मैं। आई एम फ्रॉम नागालैंड। हेलो सुजल भाई, यू आर आइडल टू अस। नसीब है यार मेरा, मेरा नसीब है, मैं आप लोगों से बहुत कुछ सीखता हूँ, आप मुझसे सीखते हो, बराबर चल रही हैं चीजें, दोनों बढ़िया हैं, तभी मजा आ रहा है। दोनों मतलब समझ रहे हैं, एक मैं और एक आप सारे, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, जितने भी भाई लोग हमें देख रहे हैं सभी। बीस मिलियन नहीं, 100 मिलियन होंगे एक दिन। थैंक यू। एब्रोड गए हो भाई? ये कोई सवाल नहीं है, एक दो कंट्री घूमे हैं यार, हमें भी थोड़े बहुत पैसा इकट्ठे करके घूमे हैं, पर इंडिया बहुत सुंदर है। एब्रोड तो छोड़ो, देश में घूमो, सच में पहाड़ों पर जाओ, एक से एक, नॉर्थ से लेके वेस्ट से लेके साउथ, सिक्किम से लेके बिहार से लेके यूपी, हर एक चीज इतनी सुंदर है ना, हिमाचल, उत्तराखंड, देहरादून, गुजरात, सब, महाराष्ट्र, इतनी सुंदर सुंदर जगह है ना, बहुत सुंदर सुंदर जगह। और एक दो स्टेट, एक तो ना कोई स्टेट या कुछ मेरे से छूट जाया करे या किसी का नाम क्वेश्चन ना उठाए हो तो बुरा मत माना करो, समझा करो, अमित भाई है, थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, माफ कीजिएगा। देखो एक घंटा कहा था, 6 मिनट एक्स्ट्रा हो गए हैं, अब खत्म करूं, कर दूं, करेक्ट कर देते हैं फिर 1:10 पे मामला, ठीक है? अभी लव यू यार, लव यू सभी, जितने भी लव यू कह रहे हैं, आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अपना और अपने परिवार का बहुत ज्यादा ख्याल रखें, ठीक है? परिवार, बुजुर्ग, ये लोग ऐसे होते हैं जो जोड़ के रखते हैं, ठीक है? आपको मोहल्ले में, पड़ोस में कोई भी ऐसे लोग दिखे जिनकी आप मदद कर सकते हैं, मदद जरूर करें। मैं पिछले 10-15 दिनों से कर रहा हूं, मैं गिनवा नहीं रहा, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि मैं भी कर रहा हूं, शायद आप मुझसे ज्यादा कर दें, शायद आप मुझसे कम कर दें, लेकिन आप भी करें, अच्छा लगता है, ठीक है? पहली बात। दूसरी बात, मैं कम इंटरव्यूज देता हूं या मैं कम इधर उधर जाता हूं, तो मेरी बात है दिल से समझ लिया करो, मेरे लिए कुछ भी र्यूमर उड़ती है या कुछ भी, कोई ये एक आजकल ये न्यूज रिपोर्टर कुछ भी, कोई कुछ भी मेरे लिए बोल देता है, तो इनको समझा दिया करो कमेंट सेक्शन में जाके कि कुछ भी मत बोला करो भाई, दोनों कुछ एक तरफ की कहानी सुना देते हैं, एक तरफ की सुनते ही नहीं है, बेफजूल में जज करने स्टार्ट, तो आप ही मेरे लोग हो जो इन बातों को समझ सकते हो, ठीक है? आने वाले टाइम में 20 मिलियन पर गाना आ रहा है, वेब सीरीज आ रही है, शोज आ रहे हैं यूट्यूब पर ही, और मीट एंड ग्रीट है, लोगों से मिलना जुलना है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी मैं रिवील नहीं कर सकता, धीरे धीरे करूंगा तो वो मैं बताऊंगा। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई आप कहते थे कि इंडस्ट्री के लोगों से, इंडस्ट्री का कल्चर ही ऐसा है, इंडस्ट्री के लोगों से मैं आज भी दूर हूँ, उनसे मेरा ज्यादा नहीं है, क्योंकि मेरे को पता है कि नाम है तो ये बात करें, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं सच में जेन्युइन है, जिनके साथ काम करने में, चीजें करने में दिल से बड़ा मजा आता है। अक्षय कुमार सर, अजय देवगन सर थे, और भी काफी लोग हैं जिनके साथ मुझे फ्यूचर में काम करना है, तो मैं उम्मीद करता हूं आप ऐसे ही मुझे सपोर्ट करेंगे, ऐसे ही मुझे प्यार करेंगे और अपना हमेशा मुझे बना के रखेंगे। ऐसे ही आपने मुझे प्यार दिया है, मैंने कुछ गलतियां की हैं तो मुझे माफ कर देना, पर प्यार आपका कभी कम नहीं होना चाहिए, प्यार हमेशा बना रहे, दैट्स ऑल आई वांट, ठीक है? ज्यादा मैं आता नहीं हूं, ज्यादा मैं फीलिंग अपनी एक्सप्रेस करता नहीं हूं, जितनी करता हूं उसको रख लिया करो अपने पास जोड़ के, और बस लव यू। कितने भी मैसेज चल रहे हैं, बहुत सारे मैसेज थे, बहुत सारे हुए हैं, मुझे माफ करना अगर मैं किसी का मैसेज नहीं ले पाया। अब एंड करने का आ गया है, अब मुझे समझाओ एंड कहां से होगा, एंड स्ट्रीम, अच्छा इस पे मैं माउस दबाने वाला हूं। लव यू, छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा, मजे आए हैं पूरे, फुल मजे आए हैं, पूछो मत, कतई जुलम, मतलब तकड़े तरीके से जहर मामला हुआ है आज, कतई जहर। तो बढ़िया लगा आपसे बात करके, आता रहा करूंगा, आप भी प्यार देते रहा करो, है ना? हमेशा ये मत सोचा करो भाई अब पहले के जैसी देसी वीडियो नहीं बनाते,
तो इस बात पे नाराज मत हुआ करो, थोड़े थोड़े से बदलाव आए हैं लेकिन वो भी वैरायटी आती रहेगी, एक जैसी वैरायटी नहीं चल सकती, ज्यादा हो जाती फिर आप भी कहने लगते एक जैसा करते हैं। तो हमेशा समझा करो, सपोर्ट किया करो, नई चीज में प्यार दिया करो, अपना बना के रखा करो, दिल के करीब रखा करो। लव यू, बाय। अपना ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें, खुश रहें। थैंक यू। तू चीज लाजवाब, तेरा कोई ना जवाब।